मद्देनजर भाजपा ने राज्य को सुखाड़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के लिए किया प्रदर्शन। वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का देशव्यापी अभियान शुरू। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार द्वारा राज्य में राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत। और तीसरी सोमवारी पर शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता, बोलबम और हर हर महादेव के जयकारे में भक्तिमय हुआ माहौल। बाबाधाम और बासुकीनाथ में जलाभिषेक के लिए उमड़े भक्त। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। अवकाश के बाद संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही आज दोबारा शुरू हुई, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण यह बार बार बाधित हुआ। सरकार द्वारा हंगामे के बीच ही कुछ विधायी कार्य निपटाए गए। उसकी ईडी द्वारा गिरफ्तार और अन्य विपक्षी सांसदों ने महंगाई के मुद्दे पर हंगामा किया। सभापति वेंकैया नायडू ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उधर लोकसभा में भी 4 सांसदों के निलंबन वापसी के मुद्दे पर कांग्रेस सांसदों ने आज लोकसभा में हंगामा किया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में जारी गतिरोध पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार सदन में खुले मन से हर विषय पर चर्चा करने को तैयार है, लेकिन विपक्ष की मंशा चर्चा करने की बजाय हंगामा खड़ा करना है। मानसून सत्र चला है, विपक्ष मांग कर रहा है कि चर्चा हो। हमने पहले दिन से कहा कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, और अब बार बार देखिए सरकार की ओर से यह आया कि हम किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। महंगाई पर चर्चा आज लगी है, लेकिन विपक्ष आज भी चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। इससे विपक्ष का चेहरा बेनकाब भी होता है कि ये लोग केवल हल्ला करने के लिए आते हैं, चर्चा करने में विश्वास नहीं रखते हैं। अभी भी प्रश्न जनता से जुड़े हुए, देश से जुड़े हुए पूछे जा सकते थे, लेकिन प्रश्नकाल को भी चलने नहीं दिया गया। आखिरकार विपक्ष चाहता क्या है, देश की जनता भी ये जानना चाहती है, और बाकी जो विपक्ष के कुछ लोग हैं, जो दल हैं, वो चाहते हैं कि क्या गिनी चुनी पार्टियां सदन में अवरोध पैदा करके रोज सदन नहीं चलने देती, तो ऐसा कितनी देर तक चलेगा। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही भी आज दोबारा शुरू हुई। सदन में विपक्ष के तेवर तल्ख दिखे। प्रश्नकाल हालांकि शोर शराबे के बीच जारी रहा और मंत्रियों ने सवालों के जवाब दिए। हरा पगड़ी आपके दल में है, 53 नलकूप जिनका पाइप बदलना है उसके लिए भी कार्यादेश दे दिया गया है, और बहुत जल्द 62 अदद नलकूप जिसमें स्पेशल रिपेयर जिसको पुनर्स्थापन करना है उसके लिए कार्यादेश दे दिया गया है, और 53 जिनमें पाइप बदलना है उसका भी कार्यादेश दे दिया गया है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने आज विधानसभा में चालू वित्तीय वर्ष के लिए 3,436 करोड़ 56 लाख 36 हजार रूपये का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया। 3,436 करोड़ 56 लाख 36 हजार रूपये मात्र का आय व्यय विवरण सभा में उपस्थापित करता हूं। विधानसभा परिसर में भाजपा समेत अन्य विपक्षी दलों ने समसामयिक विषयों को लेकर प्रदर्शन किया। भाजपा ने राज्य को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग की। भाजपा विधायक नीरा यादव ने माथे पर टोकरी लेकर मांग के समर्थन में प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आज ले अकाल क्षेत्र घोषित नहीं करते हिस्से आज छुआ के भी ले आई विधानसभा में, और देखा हम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के कि झारखंड में अकाल है पूरा बहुत साल कर बाचल भूचल मड़ुआ चावल के हम पीठा डूबू बनाए हैं। आईन ही हमारे
विधानसभा में कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार आज भोजनावकाश के बाद राज्य में अल्प वर्षा के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा हुई। और हम सरकार की डाटा की बात करते हैं तो 31 जुलाई 2022 तक का हम जो आंकड़ा देखते हैं, सामान्य वर्षापात 508.2 मिलीमीटर होना चाहिए और जो वास्तविक वर्षापात है 258.7 मिलीमीटर ही हुई। तो जो सरकार का डाटा है वर्षापात का, वह ये प्रमाणित कर दे रहा है कि राज्य में अनावृष्टि की स्थिति है, सुखाड़ की स्थिति है, फसल आच्छादन की अगर स्थिति हम लोग देखें, किसानों के समक्ष एक बड़ी समस्या आएगी। अगर मनुष्य के सामने अनाज का संकट हो तो उसकी भरपाई तो हो सकती है किसी तरह से, बाहर जाकर काम कर ले, पलायन कर जाते लोग, बाहर में कमा लेंगे, कहीं से महंगा अनाज खरीद लेंगे, लेकिन अध्यक्ष महोदय जो स्थिति है उसमें आज पशु चारा का घोर संकट होगा। इधर सुखार पर चर्चा से पहले भाजपा विधायक सीपी सिंह ने पुरजोर तरीके से सरकार से राज्य को अकाल ग्रस्त घोषित करने की मांग की। बस एक ही लाइन की तो बात है, उसमें आप एक शब्द जोड़ दीजिए श्री बाबू, चर्चा के उपरांत आपका बात रहेगा, लेकिन एक शब्द आप जोड़ दीजिए चर्चा के उपरांत। मैं आपके आदेश का पालन करता हूँ, लेकिन आप एक आदेश ऊपर से दे दीजिए कि सरकार चर्चा के उपरांत आदरणीय मुख्यमंत्री जी अकाल। सदन में हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अल्पवर्षा के कारण पैदा हुए हालात पर सरकार की नजर है कि यहाँ राज्य के अंदर जो गुजरात रूप धारण करने जा रही है, तो इसकी चिंता हमें भी है। ऐसा है कि ये जिम्मेवारी, ये जिम्मेवार सरकार है और सरकार इस राज्य के गरीब किसान मजदूर जो इस राज्य में सबसे अधिक प्रभावित होते रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग। कृषि मंत्री बादल ने सुखार पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि अकालग्रस्त या सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के कुछ मापदंड होते हैं जिस पर सरकार की नजर है। तो 15.41% है जो मुख्य फसल है अध्यक्ष महोदय पैगी, उसमें सिर्फ पूरे राज्य में 14 जिला का यदि एवरेज हम ले तो 15.41 और ओवरऑल यदि ले मक्का दलहन तेलहन मोटा अनाज जैसे ज्वार बाजरा महुआ मड़ुआ ओवरऑल 24.37%। उन्होंने कहा कि विषम परिस्थिति से निपटने और लोगों को सुखाड़ से राहत पहुंचाने के लिए सरकार एक्शन प्लान तैयार कर रही है। वर्षापात 50% से कम तो बिल्कुल ब्रेक इवन पे हम खड़े हैं, पेक्षुओं से वहां भी कर रहे हैं। सिर्फ दो डिस्ट्रिक्ट है या कह लीजिए कि तीन, पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, जहां नॉर्मल वर्षा हुआ वहां भी वर्षा की कमी है पेक्षुओं से, लेकिन थोड़ी स्थिति ठीक है। वैसे भी वो सब रेनफॉल वहां पर हमेशा ज्यादा होता है, पिछले साल मौसम ने साथ दिया था, हमने रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन किया था देश में। नकदी के साथ पकड़े गए कांग्रेस के तीन विधायकों का मामला भी विधानसभा में छाया रहा। भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने इस मुद्दे पर सदन में अपने विचार रखे। असर का खामियाजा भी हम लोग भुगत रहे हैं। ममता बनर्जी कांग्रेस को खा करके तृणमूल कांग्रेस स्थापित करके अकेला सरकार बनाई है और ये भी एक दिन कांग्रेस को खा जाएंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे। विधानसभा के मॉनसून सत्र की कार्यवाही में हिस्सा लेने आए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबीयत आज अचानक बिगड़ गई। आनन फानन में उन्हें एक नजदीकी अस्पताल में भेजा गया। अनेक राजनेताओं ने उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना की है।
राज्यपाल रमेश बैस ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। उन्होंने ट्वीट कर इसे शिष्टाचार भेंट बताया। झारखंड समेत देशभर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोविड के 16,464 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 16,112 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में 1,43,989 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 47 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 70 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,117 रह गई है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 2,04,39,65,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आजकल देशभर में कोरोना रोधी बूस्टर डोज का महाअभियान चल रहा है। लोहरदगा उपायुक्त ने बूस्टर डोज के संबंध में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए जागरूकता रथ और नुक्कड़ नाटक टीम को रवाना किया। वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का देशव्यापी अभियान आज से शुरू हुआ। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार द्वारा रांची में राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान उन्होंने खुद का आधार मतदाता सूची में लिंक कराने के लिए प्रपत्र 6B में अपना आवेदन संबंधित बूथ लेवल पदाधिकारी को सौंपा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी मतदाताओं से इस काम में पहल का आग्रह किया। वोटर आईडी कार्ड देखे मतलब उसका एड्रेस प्रूफ का मना गया, उसमें भविष्य में कहां पर आधार लिंक हो गया ओपी कार्ड में उनका रेजिडेंस प्रूफ का भी कुछ सुविधा हो सकता है, इसलिए आधार लिंक करना सुरक्षित है, फिर भी वॉलंटियर उसमें सबका करने की आवश्यकता है। इधर बोकारो में आधार कार्ड को वोटर कार्ड से जोड़ने के अभियान से लोगों को अवगत कराने के लिए समाहरणालय परिसर से जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने जन जागरूकता रथ को रवाना किया। दस्तावेज है, उन 11 दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को जमा करके आप अपने वोटर आईडी कार्ड को रवाना किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जिले में सभी प्रखंडों में, पंचायतों में, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी जगह जाकर मतदाताओं को जागरूक करना, और साथ के साथ में निर्वाचन आयोग द्वारा जो अभी नया पहल किया जा रहा है कि वोटर कार्ड और आधार कार्ड को जो मर्ज करना है उसका भी शुरुआत आज से हम लोग करने जा रहे हैं, और हमें पूरा उम्मीद है कि आज रथ के माध्यम से जो जागरूकता फैलेगी इसमें न केवल नए मतदाता अपना जुड़ेंगे बल्कि जिनको संशोधन भी कराना है वो लोग भी आगे आएंगे। झारखंड समेत देशभर में आज से आगामी 7 अगस्त तक चलने वाले विश्व स्तनपान सप्ताह की शुरुआत हुई। महिला बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने रांची में इस उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया और स्तनपान को लेकर माताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। लोहरदगा उपायुक्त डॉ वाघमारे प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हुई, जिसमें चर्चा के दौरान कई बिंदुओं पर सहमति बनी। बीते वर्ष यास तूफान से हुए फसल नुकसान के मुआवजा के लिए कुडू और किस्कू अंचल को कुल 15,61,182 रूपये भुगतान करने की मंजूरी दी गई। इसके अलावा कोरोना महामारी की वजह से जान गंवाने वाले 13 लोगों के आश्रितों को भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई। दुमका के प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में सावन की तीसरी सोमवारी पर भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। सावन मास की तीसरी सोमवारी पर दुमका के प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम का पूरा मेला क्षेत्र तथा कांवरिया मार्ग बम बासुकी और बोल बम के जय घोष से गुंजायमान है। बाबा बासुकीनाथ धाम में रात से ही भक्त बाबा के जलाभिषेक के लिए कतार में लगने लगे थे, और तड़के 3 बजे सरकारी पूजा के बाद मंदिर का पट खोला गया, जिसके पश्चात अर्घा के माध्यम से भक्त बाबा बासुकीनाथ को जलार्पित कर रहे हैं।
सावन की सोमवारी होने के कारण बड़ी संख्या में डाक कांवरिया भी गंगाजल लेकर बासुकीनाथ पहुंचे। आमतौर पर जो श्रद्धालु सुल्तानगंज से जल उठाते हैं वे देवघर में बाबा वैद्यनाथ को जल चढ़ने के बाद बासुकीनाथ आते हैं और जो श्रद्धालु भागलपुर के कुप्पा तथा बरारी गंगा तट से जल उठाते हैं वे बौंसी और हंसडीहा के रास्ते सीधे बासुकीनाथ आते हैं। अपनी आस्था और भाव से आए हैं, जो बाबा से मांगे वो पुनः फिर दोबारा हम आते हैं। भक्तों की भीड़ को नियंत्रित करने और सभी को जलार्पण का अवसर सुलभ कराने के लिए दुमका जिला प्रशासन तत्पर है। विधि व्यवस्था तथा बेहतर मेला प्रबंधन के लिए सुरक्षा बलों के अलावा बड़ी संख्या में NSS और अन्य सेवा संगठनों के कार्यकर्ताओं को भी लगाया गया है। बाबा बासुकीनाथ धाम का पट रात 10 बजे तक भक्तों के लिए खुला रहेगा। दुमका से आरके नीरद की रिपोर्ट। श्रावणी मेला की तीसरी सोमवारी के अवसर पर खूंटी स्थित आमरेश्वर धाम में भी भक्ति की बयार बहती रही। रामगढ़ में एक प्राचीन शिव मंदिर ऐसा भी है जहां शिवलिंग पर जलाभिषेक साल के 12 महीने और 24 घंटे होता रहता है। रामगढ़ जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित इस प्राचीन शिव मंदिर को लोग टूटी झरना के नाम से भी जानते हैं। मंदिर का इतिहास अंग्रेजों के शासन से भी जुड़ा है। जब 1925 में अंग्रेज इस इलाके में रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे तभी पानी के लिए खुदाई के दौरान उन्हें जमीन के अंदर कुछ गुंबद नुमा चीज दिखाई पड़ा। खुदाई होने पर मंदिर नजर आया तथा शिवलिंग के यहाँ दर्शन हुए थे। मंदिर के ठीक ऊपर माँ गंगा की सफेद रंग की प्रतिमा भी यहाँ मिली थी। शिवलिंग में स्वतः गिरते रहता है विष्णु भगवान के नाभि से उनके हाथों द्वारा। एक हैंड पंप भी है, आप देखेंगे बगैर चलाए हुए 24 घंटा उससे भी पानी गिरते रहता है। माताएं यहाँ आती है और रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। मंदिर की इन्हीं खासियतों की वजह से यहाँ हमेशा भक्तों का तांता लगा रहता है और लोग दूर दराज के क्षेत्र से इस चमत्कार को देखने आते हैं। यहाँ पे भोले बाबा से बस यही दुआ मांगने के लिए आए हुए हैं कि हमारे कैरियर में हमें बहुत आगे बढ़े, हमें मेहनत करने की पूरी शक्ति दे और हमेशा ईमानदारी के राह पर चले। लोग ऐसा भी बताते हैं कि इस जगह का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है और यहाँ मांगी गई हर मनोकामना पूर्ण होती है। हमारे आए हुए हैं, आज यहाँ काफी भीड़ है, यहाँ पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। रामगढ़ का यह प्राचीन शिव मंदिर हर साल की तरह इस वर्ष भी श्रावण मास में बाबा भोले के भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है और वे अनवरत यहाँ पहुँच भी रहे हैं। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। गैस कंपनियों ने जनता को बड़ी राहत देते हुए व्यावसायिक सिलेंडरों के मूल्य में 36 रुपए प्रति सिलेंडर की कटौती की है। उसकी कीमतों में कमी करने का ऐलान किया है। तेल कंपनियों ने 19 किलो के वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमतों में 36 रुपए की कटौती की है। नई कीमतें आज से ही लागू हो जाएंगी। इस कमी के साथ 19 किलो के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 2012 रुपए के बजाय 1976 रुपए होगी। उधर एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भी कटौती के बाद आज से दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2012 रुपए से घट करके 1976 रुपए हो गई है। कोलकाता में 2132 रुपए कीमत थी जो अब 2095 रुपए रह जाएगी। मुंबई की बात करें तो कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1936 रुपए हो गई है और चेन्नई में ये 2141 रुपए। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि सर्वाधिक 60.2 मिलीमीटर वर्षा धनबाद के गोविंदपुर में रिकॉर्ड की गई। नॉर्दर्न उसका मूवमेंट है और जिसकी वजह से वो फुटहिल्स ऑफ हिमालय की तलहटी पे अभी केंद्रित है। और बात करें एक मौसम पूर्वानुमान का तो आज से लेके 1 से 3 अगस्त तक राज्य में लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी और 4 और 5 में राज्य में कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश
देखने को मिलेगी। चेतावनी की बात करें तो एक और दो दोनों दिन राज्य में एक आध जगह पे भारी बारिश आपको देखने को मिल सकती है। जमशेदपुर आई हॉस्पिटल के डायमंड जुबली समारोह के अवसर पर टाटा स्टील के ग्लोबल सीईओ सह प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन ने अस्पताल परिसर में विभिन्न नई सुविधाओं का उद्घाटन किया। चौधरी डॉक्टर जखनवाल, डॉक्टर चौधरी और साथ साथ इंटायर यहाँ के जो टीम है, इम्प्लॉइज हमारे हैं, नीचे तक पूरी इंटायर टीम मिलकर के इस हॉस्पिटल को इस पोजीशन में लाई है। हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज आज अवेलेबल हुई है उसके बारे में पूरी जानकारी डॉक्टर जखनवाल ने दी है आप सभी लोगों को, और हमें लगता है कि इस क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है सब लोग इंटायर टीम मिलकर के एक दूसरे को सहयोग करके। बट हम ये नहीं कह सकते हैं कि भविष्य में और यहाँ डेवलपमेंट का स्कोप नहीं है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का दमदार प्रदर्शन जारी है। पहली बार इन खेलों में लॉन बॉल स्पर्धा का पदक भारत को मिलना तय हो गया है। भारतीय महिलाओं ने न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में 16-13 से पराजित कर दक्षिण अफ्रीका से खिताबी भिड़ंत के लिए जगह बनाई। फाइनल मुकाबला कल शाम 5:15 बजे से खेला जाएगा। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। केंद्रीय मंत्री सह कोडरमा के सांसद अन्नपूर्णा देवी ने वर्षा जल संरक्षण पर बल दिया है। उन्होंने एक फोटो साझा कर कहा कि बारिश के पानी का संरक्षण घर पर भी आसानी से किया जा सकता है। उन्होंने लोगों से अपने घर में रैन बैरल के माध्यम से वर्षा जल संरक्षित कर बाग बगीचों को हरा भरा रखने की अपील की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पिता दिशोम गुरुजी के आंदोलन के समय के साथ ही गिरिडीह जिले के सीरू मरांडी के आवास पर मुलाकात की और उनका कुशलक्षेम जाना तथा उनकी समस्याओं के शीघ्र निराकरण के लिए पदाधिकारियों को निर्देश भी दिए। रांची सांसद संजय सेठ ने रांची नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 34 स्थित फुचका मोहल्ला में नाली निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस दौरान वार्ड पार्षद सहित बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। चौथा, हजारीबाग की उपायुक्त ने बच्चों से अपील की है कि वे इस 15 अगस्त को आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर अपने हाथों से बने कार्ड 4 अगस्त तक जिला प्रशासन को उपलब्ध करवाएं, जिन्हें 15 अगस्त को वीर जवानों को भेजा जाएगा। पूर्वी सिंहभूम के जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बैठक आयोजित कर बीएसओ, गोदाम प्रबंधक और अन्य अधिकारियों को निर्धारित मात्रा से अधिक खाद्यान्न न लेने की हिदायत दी, साथ ही लाभुकों को ससमय खाद्यान्न पहुंचाने का भी आवश्यक निर्देश दिए। जामताड़ा में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी नजीर पेश करते हुए पंचायत लाइब्रेरी में हर रविवार और बुधवार को बच्चों को पढ़ाते नजर आए। रिपीट, जिले के उपायुक्त ने इससे संबंधित कुछ फोटो भी साझा किए हैं। पाकुड़ उपायुक्त ने नगर परिषद स्थित महात्मा गांधी बस स्टैंड और रैन बसेरा का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के साथ ही बस स्टैंड एवं रैन बसेरा का रंग रोगन कराने का भी निर्देश दिया। लातेहार में नक्सलियों के खिलाफ विशेष अभियान पूमा 07 जारी है। अभियान के क्रम में सुरक्षा बलों के द्वारा बारेसाण थाना क्षेत्र से नक्सलियों के द्वारा छुपाकर रखे गए 4 शक्तिशाली केन बम बरामद किए हैं। देवघर में राजकीय श्रावणी मेला की तीसरी सोमवारी के मद्देनजर जिले के उपायुक्त व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए मुस्तैद दिखे, ताकि बाबा वैद्यनाथ पर जलार्पण करने के लिए आए देवतुल्य श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। रांची के सांसद संजय सेठ ने सुखदेव नगर मंडल के लक्ष्मी नगर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में टॉय बैंक का उद्घाटन किया। देश आजकल आजादी का अमृतकाल मना रहा है और शिद्दत से सभी लोग स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद कर रहे हैं। एक अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन शुरू किया।
कहा जाता है कि ठीक चार साल पहले 1 अगस्त 1916 को एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के होम रूल आंदोलन ने असहयोग आंदोलन का मंच तैयार कर दिया था। दोनों आंदोलन भारत में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के इतिहास का अभिन्न अंग हैं। असहयोग आंदोलन की विशेषता ये थी कि ये गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण और अहिंसक था। 22 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में हुई घटना के परिणाम स्वरूप गांधी जी ने आंदोलन को निलंबित कर दिया। ये एक उल्लेखनीय आंदोलन था जिसमें लोग जिस तरह एकजुट हुए थे ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। ये वास्तव में एक जन आंदोलन था जिसमें दूर दराज के गांवों और कस्बों से भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आंदोलन ने ब्रिटिश प्रशासन को चौंका दिया और इसने लाखों भारतीयों को उत्साहित किया। हम गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी राम नारायण चौधरी को भी आज याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 1 अगस्त 1895 को राजस्थान में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन का 3 दशकों से भी ज्यादा समय भारत के स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित कर दिया और ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ने और राजस्थान में रियासतों से उत्पीड़ित लोगों के लिए 6 साल जेल में बिताए। राम नारायण चौधरी जयपुर के महाराजा कॉलेज में इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करते हुए क्रांति दल में शामिल हुए। वो बाल गंगाधर तिलक, अरबिंदो घोष और स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों से आकर्षित हुए थे। 1915 में कलकत्ता में एक छात्र के रूप में गांधी जी के भाषण को सुनने के बाद उनके जीवन ने अहिंसक क्रांति की ओर मोड़ ले लिया। राम नारायण ने विदेशी शिक्षा के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया और इसके बजाय खुद युवाओं को शिक्षित करने का विकल्प चुना। 1917 में वो जमुना लाल बजाज से जुड़ गए और वर्धा में मारवाड़ी एजुकेशन सोसाइटी में पढ़ाना शुरू कर दिया। गांधी जी के सुझाव पर राम नारायण ने वापस राजस्थान जाकर विजय सिंह पथिक, शोभा लाल गुप्त, माणिक लाल वर्मा, हरिभाई किंकर और भंवर लाल की सहायता से राजस्थान सेवा संघ का गठन किया। राजस्थान सेवा संघ का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के गरीबों का उत्थान करना और क्षेत्र के भूमिहीन श्रमिकों के साथ मिलकर काम करना था। 1920 से राम नारायण और उनकी पत्नी अंजना देवी दोनों ने अपरिग्रह और तपस्या के सिद्धांतों का पालन करना शुरू कर दिया। उन्होंने खादी को जीवन के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया। नमक मार्च राम नारायण के जीवन में वीरता, शक्ति और जिम्मेदारी का नया अनुभव लाया। नमक मार्च के दौरान राम नारायण ने साबरमती आश्रम की प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभाली। बाद में वो 5 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च में गांधी जी के साथ शामिल हो गए। गांधी जी की सलाह पर वो जल्द ही अजमेर के लिए रवाना हुए और नमक उत्पादकों से कानून की अवहेलना करने का आग्रह किया। इस भाषण के बाद राम नारायण को गिरफ्तार कर अजमेर केंद्रीय कारागार भेज दिया गया। राम नारायण ने अजमेर में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और 3 वर्ष जेल में रहे। जेल से रिहा होने के बाद राम नारायण साबरमती आश्रम चले गए, जहां उन्होंने गांधीवादी साहित्य के बड़े हिस्से का अनुवाद किया। आजादी के बाद राम नारायण ने अपना जीवन सामाजिक कार्यों और लेखन के लिए समर्पित कर दिया। 4 अप्रैल 1989 को अजमेर में उनका निधन हुआ। भारत और ओमान के बीच आज चौथा सैन्य अभ्यास आज राजस्थान में शुरू होगा। सेना की टुकड़ी अभ्यास स्थल पर पहुंच गई है। 18वीं मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन के जवान भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व करेंगे। इससे पहले दोनों देशों के बीच सैन्य अभ्यास 12 से 25 मार्च 2019 तक मस्कट में आयोजित किया गया था। यह अभ्यास 13 अगस्त तक चलेगा। इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेना के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाना है। इससे दोनों देशों के आपसी संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा में 3436 करोड़ 56 लाख रुपए का हंगामे के बीच चला प्रश्न का सुखाड़ पर सदन में हुई चर्चा। मुख्यमंत्री ने कहा हालात पर सरकार की नजर। भाजपा ने राज्य को सुखाड़ ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के लिए दिया निर्देश। वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का देशव्यापी अभियान शुरू। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार द्वारा
रांची में राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत। और तीसरी सोमवारी पर शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता बोल रहा है। महादेव की जयकारे से भक्तिमय हुआ माहौल। बाबा धाम में जिलाभिषेक के लिए उन्हें भक्ति।